हरे कृष्ण, मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लग गुरु कार्यक्रम। लग गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की क्या जीवन में उपयोगिता है और गायत्री मंत्र के नियमित जप तप ध्यान करने से जीवन में आपको क्या फायदे मिलते हैं और किन किन परेशानियों से आपको निजात मिलता है, गायत्री मंत्र को कामधेनु कहा गया है। गायत्री मंत्र के जप करने वालों को कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, उनकी इच्छा अनुसार उनके सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र के जप करने के उपाय क्या है, गायत्री मंत्र की उपयोगिता क्या है, और यदि आप नियम से 3 समय जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां मिलेंगी, आप कैसे आगे बढ़ेंगे और ये किस तरीके से आपके जीवन में छाप छोड़ता है और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। गायत्री मंत्र का प्रभाव कुछ ऐसा है कि इसके जप से आपके जीवन के तमाम प्रकार के जो कष्ट हैं वो सारे कष्ट प्रभावहीन हो जाते हैं। गायत्री मंत्र का प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया है। मंत्रों की ध्वनि से असीम शांति की अनुभूति होती है। गायत्री मंत्र के उपाय जीवन को हर तरीके से खुशहाल बनाने में सहयोगी सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र का जप मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। नौकरी हो, बिजनेस हो, राजनीति हो या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में अगर आपको परेशानी हो रही है तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जप करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि गायत्री मंत्र कैसे पढ़ा जाता है, गायत्री मंत्र क्या है। ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जप 3 समय आप करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ज़्यादा असरदार होता है। आपका सबसे पहला समय क्या होता है कि गायत्री मंत्र का यदि आप जप करते हैं, नियमित जप करने वाले, तप करने वाले हैं, तो सूर्योदय होने से थोड़ी देर पहले यदि आप शुरू करते हैं तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है और सूर्योदय के समय जप करते हैं तो इस मंत्र का आपको जीवन में काफ़ी लाभ मिलता है। सूर्योदय के थोड़ी देर बाद तक इस जप को आप कर सकते हैं, सूर्योदय के होने से पहले और सूर्योदय के थोड़ी देर बाद तक इस मंत्र का यदि जप करते तो यह मंत्र आपके लिए अमृत की तरह सिद्धकारी हो सकता है और यदि यह मंत्र की सिद्धि मिल जाती है तो आपके जीवन में कामधेनु की तरह यह फलदायी होता है। दूसरा समय क्या है, दूसरा समय है कि दोपहर के समय में आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और तीसरा समय है कि गायत्री मंत्र का जप सूर्यास्त से पहले शुरू करें और मंत्र सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद तक करते हैं, यह बड़ा अच्छा समय मानते हैं। गायत्री मंत्र का जप कैसे करें, गायत्री मंत्र का जप आप करते हैं तो उसके लिए रुद्राक्ष की माला के साथ अगर जप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और ख़ास तौर से जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो मौन जप अगर करें, मौन रह करके, तो यह बहुत ही अच्छा मानते हैं। कहते हैं कि मौन रहकर गायत्री मंत्र का जप किसी भी समय आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप कभी भी ऊंची आवाज में नहीं करना चाहिए, वह दोषपूर्ण होता है। शुक्रवार को जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसमें पीला वस्त्र अगर आप पहन के करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा, आप पीला वस्त्र पहनकर और हाथी पर विराजमान माता गायत्री का ध्यान करें और तब आप जप करें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्री का संपुट लगाकर जप करना लाभप्रद रहता है। शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए ऐसे करें गायत्री का जप। आइए हम आपको बताते हैं कि जैसे अगर आप चारों तरफ से शत्रु हैं, परेशानी है, अगर अपने को लगता है कि चारों तरफ से संकटों में घिरे हुए हैं, ऐसे परिस्थिति में आप किस दिन कब जप करें, इसका मैं आपको बताता हूं उपाय। तो मंगलवार, अमावस्या या रविवार को लाल वस्त्र धारण करके अगर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री उपासना करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और जब आप जप करते हैं तो उसमें माँ दुर्गा का ध्यान अवश्य करें, इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जब इससे परिवार में एकता बढ़ेगी, मित्रों में प्रेम बढ़ेगा। गायत्री मंत्र जप के नियम क्या, आइए आपको उसके उपाय बताते हैं। गायत्री मंत्र का जप
बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करना चाहिए। जब भी इस जप को करें तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही शुरुआत करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि यह जितना प्रभावशाली मंत्र है उतना ही इसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है, इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। तो इसलिए मंत्र का आरोह और उतार चढ़ाव का विशेष तौर से ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। गायत्री मंत्र के लिए स्नान के साथ मन और आचरण को पवित्र होना बहुत जरूरी होता है। आदमी सोचता है कि हमने स्नान कर लिया, शुद्ध कपड़ा पहन लिया तो हम पवित्र हो गए। ऐसे पवित्रता नहीं होती है। पवित्रता आपका मन, आचरण, व्यवहार, चरित्र, चाल, चेहरा, चरित्र सब आपका स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वो आपकी सफाई हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें जो भी आप मंत्र जप करेंगे वो आपके लिए जीवन में बहुत ही प्रभावशाली होता है और आपके जीवन पर इसका अमिट प्रभाव पड़ता है। इसमें जो आप वस्त्र धारण करते हैं, साफ और सूती वस्त्र धारण करना विशेष तौर से अच्छा मानते हैं। जिस जो आसन आप करते हैं, आसन पर बैठते हैं, तो आसन कुश या चट्टाई का ही आसन धारण करना चाहिए। जैसे कुश है उस पर अगर आप बैठ करके जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुलसी या चंदन की माला का प्रयोग करना आपके लिए श्रेयस्कर माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप करना और शाम को पश्चिम दिशा में मुख करके जप करना आपके लिए श्रेयस्कर कहा गया है कि इस तरह के अगर पूजा करते तो श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 23 अप्रैल 2019, दिन है मंगलवार, चतुर्थी तिथि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है और आपका चंद्रमा रहेगा वृश्चिक राशि में। शुभ समय है 11:53 से लेकर के 12:45 अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है 3:35 से लेकर 5:13 सायंकाल तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। यदि लगता है कोई बहुत जरूरी कार्य है, वह कार्य आप अपरिहार्य है, रुक नहीं सकता, तो उसके लिए आप क्या करें कि जो आपके घर में श्रेष्ठ जन है उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और दही गुड़ खा करके आप घर से निकल सकते हैं, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो प्रथम राशि है मेष राशि, मेष राशि के जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा चल रहा है। एक तो समय आपके अनुकूल है, इसमें अगर कोई आप नौकरी के लिए या किसी कार्य के लिए, नए व्यापार के लिए प्रयास करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नए प्रकार के कार्य कर सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, रोजी रोजगार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। साथ ही साथ यदि आप नौकरी में हैं तो पदोन्नत होने का भी प्रबल योग बन रहा है और आज आपके पराक्रम से काफी लाभ होगा। जो भी आप पराक्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, उससे आपको काफी लाभ मिलते हुए दिख रहा है और नए प्रकार के व्यापार कार्य करने के भी अवसर मिलेंगे। खास तौर से यदि आप राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं या टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आपको टिकट मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा और राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलते हुए दिख रही है। आपकी जो संतानें होंगी बहुत अच्छा करेंगी, तो संतान से मन आपका प्रसन्न रहेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी का जो सहयोग होगा काफी अच्छा रहेगा, आपका मनोबल अच्छा रहेगा, कर्म क्षेत्र में आपके विस्तार होगा और नए प्रकार के रोजी रोजगार व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। भाग्य आपके अनुकूल चल रहा है। जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके राशि से चंद्रमा 8वें वृश्चिक राशि का, तो जो चंद्रमा 8वें होने से एक तो आपके देश विदेश की यात्रा हो सकती है, आयात निर्यात हो सकता है, आप नए प्रकार के कार्य कर सकते हैं, आपकी जो फर्टाइल आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट होने का समय चल रहा है, अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं जित और कीमती सलाह से पैसा कमा सकते हैं, नए रोजगार मिल सकते हैं, नए कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, घर की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, जो भी आपका दायित्व है उसको बड़े अच्छे से निर्वाह करने में सफल रहेंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा है तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में यदि आप लगाते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा और जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय करना है कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर रविवार व्रत रहते हैं तो अच्छा है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है सुर्ख लाल और लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है अपनी भावनाओं पर, भावनाओं में बह करके, सेंटिमेंट में आकर के कोई कार्य न करें, अपने नियंत्रण में रहें और आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। मान सम्मान बढ़ेगा,
रोग और शत्रु को हल्के में न लें और आज आपकी जो भी समस्याएं हैं समस्त समस्याओं का समाधान होगा। और अपनी बातें जो भी प्लानिंग करें गुप्त रखें, अगर किसी को बता देंगे तो आपका कार्य होते होते रुक सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, हनुमान जी को पूजा करें और उनको लाल पुष्प या गुलाब का 11 पुष्प अर्पित करें और 11 लड्डू बेसन का अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है लाल, लकमीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ेगा। तो आज आपके आत्मबल से आत्मविश्वास से सारे प्रतिकूल कार्य आपके अनुकूल होते हुए दिख रहे हैं, तो सारे कार्य आज आपके संपन्न होंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने का समय चल रहा है। आर्थिक लाभ जबरदस्त होगा, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने दें। नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, आपकी प्रगति में बाधक होता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बाधा बन के आती है, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी प्रभावित होती है, इसलिए जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच रखना ही आपके लिए बेहतर होगा और दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, ढेर सारे कार्य संपन्न होने की संभावना बन रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, दूसरों की बातों में एकदम ना आवे, आपकी भोलेपन का दूसरा लाभ उठा सकते हैं, इसलिए किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। उपाय क्या करना है, गाय को हरा चारा अगर अपने हाथ से खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी का दिन आ गया तो खास तौर से जो पशु पक्षी हैं क्या करें कि उनके लिए खाना दे दें, उनको पानी दें, दाना दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लकमीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। एक तो आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज सेवा और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, चैरिटी का कार्य करेंगे और लोकहित में परहित में आपका मन लगेगा, उधर कार्य करेंगे और इससे आपका यश बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी और खासतौर से जो दीनहीन है परेशान है उनकी मदद करने में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। राजनीतिक लाभ मिलते हुए दिख रहा है, दूर देश की अचानक यात्रा हो सकती है, कार्य के विस्तार की भी योजना बन रही है, शत्रुओं से थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, शत्रु आपको चिंतित कर सकते हैं और संपत्ति जैसे अगर आपका रियल इस्टेट है, भूमि है, भवन है, अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है वो सारे डिस्प्यूट खत्म होंगे और प्रॉपर्टी से लाभ होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, दिल की बजाय दिमाग की बात सुने। कई बार क्या होता है कि दिल की सुनते हैं, दिल की बात जब ही सुनेंगे आपको नुकसान होगा, तो थोड़ा सा दिल के बजाय दिमाग की बात सुनना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि चांदी का चंद्रमा मंदिर में दान करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है नीला, लकमीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए समय सर्वोत्तम चल रहा है। आज आपका मनोबल काफी हाई रहेगा, ऊंचा रहेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, नए व्यापार कर सकते हैं, राजनीतिक लाभ मिलेगा, कोई नया इंडस्ट्री नया व्यापार खोल सकते हैं, उसके लिए गोल्डन समय चल रहा है, प्रगति का योग बन रहा है, परिवार में शुभ कार्य का भी प्रबल योग बन रहा है, नए मेहमान आ सकते हैं, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, उसकी प्रबल संभावना बन रही है। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा, उनका परीक्षा उनका परिणाम उनको बड़ी सफलता मिलेगी, अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने की संभावना दिख रही है। खासतौर से जो खिलाड़ी हैं खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर में लगे हुए हैं तो उनकी शुरुआत अच्छी होगी और अच्छा कर सकते हैं और उनका अच्छा एक्सपोजर होने की संभावना दिख रही है। माली हालत आपकी सुदृढ़ होगी, आयात निर्यात से धन मिलने की संभावना दिख रही है, मान सम्मान मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और ससुराल से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। चाचा और मामा से आज आपके विवाद हो सकते हैं और आज आपके पड़ोसी से तनाव मिल सकता है, इस पर थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, आज गणेश जी की आराधना करें, ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का कम से कम एक माला या 108 बार जप करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग है हरा, लकमीटर है 8। हरे कृष्ण। आइए अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं खास तौर से इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो आज अगर आप लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कहानी किताब खिस्सा कविता फिल्म इत्यादि का अगर
रचना करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम समय चल रहा था, अपने समय का सदुपयोग करें। दूसरी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अपनी एनर्जी नकारात्मक दिशा में न लगावें, और आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है इसको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सेल्फ रिव्यू करिए कि आप कैसे हैं। दूसरे के प्रमाण पत्र देने से ना आप अच्छे हो सकते ना बुरे हो सकते, आपका दिल जानता है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो अपने दिल की बात सुने, मन की बात सुने, अंतरात्मा के दिशा निर्देशन में कार्य करना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरे की कुंजी लगाने से आप प्रसन्न होते दुखी होते यह स्वभाव छोड़ देना आपके लिए हितकर रहेगा। आज आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, जमीन जायदाद के लिए अच्छा समय चल रहा, खरीदारी कर सकते हैं, कृषि योग भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, इस तरह का प्रबल योग बन रहा है। संततियों से मन प्रसन्न रहेगा, संतान सुख मिलने की संभावना प्रबल है। विद्यार्थियों के लिए समय सर्वोत्तम चल रहा है, और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतें कि जो आपके अंदर ऊर्जा है उस सही दिशा में लगावें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, निगेटिव से बचना है। उपाय क्या करना है कि गौशाला में हरा चारा अपने हाथ से गाय को खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुभ अंक है 8, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। आइए अब हम बात करते तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक है उनके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। एक तो आज आपको राजनीति के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, यदि आप चैरिटी धर्मार्थ परहितार्थ कार्य करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, और आपके कर्मों के एक अलग पहचान होगी, और समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी, और रोजगार से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आयात निर्यात का भी प्रबल योग बन रहा है, परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, इसका प्रबल योग बन रहा है। आपके पास आय के स्रोत अचानक बढ़ सकता है, और आय के स्रोत होने से धन लाभ होगा, और जो रुका हुआ धन है वो मिलेगा। यदि आपने किसी को धन दे रखा है, जो डूबा हुआ धन है उसको भी रिकवरी होने का चल रहा है समय, और रोग और शत्रु परास्त होंगे। तेज गति की गाड़ी चलाने से बचें, साझेदारी में एकदम व्यापार न करें, उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन न करें, और आज आप जो भी कार्य करते हैं सही दिशा में करें और अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। जितना रिस्क लेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, माली हालत आपकी सुदृढ़ होगी। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी निर्णय लेते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेना आपके लिए बेहतर होगा। उपाय क्या करना है, चींटियों को आटा खिलावे, चीनी खिलावे आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए समय चारों तरफ से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। माली हालत अच्छी होगी, भाग्य आपके अनुकूल है, परिवार में ढेर सारे शुभ कार्य एक साथ होते हुए दिख रहा है, जिससे आपका मन काफी प्रफुल्लित रहेगा। भाई बहन का सुख मिलेगा, नए कार्य एवं नए उद्योग, नए इंडस्ट्री, नया रोजगार मिलने की संभावना बन रही है। खासतौर से जो खेल खिलाड़ी है उनके लिए समय सर्वोत्तम चल रहा है, व्यापार के लिए अच्छा कर सकते हैं, माता का सुख मिलेगा, पिता के सहयोग से बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज आपके परिवार के लोग आपका काफी सपोर्ट करेंगे, पड़ोसी भी सपोर्ट करेंगे, तो आज आपके लिए देखा जाए तो चारों तरफ से खुशियों का माहौल मिलेगा। चतुर्दिक प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा, और यदि विवाद चल रहा होगा प्रॉपर्टी में तो उसमें प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व होगा और उससे धन लाभ होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, आज अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति जरूरतमंद है, असहाय है, तो उसको भोजन करा दें, और हो सके तो वस्त्र भी दें, आपके लिए बेहतर होगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। तो आज धनु राशि वाले जातकों को ध्यान रखना है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करती है, और आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा है, और आपकी साहसता का लोग फायदा उठाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आप जानते हैं कि व्यक्ति कैसा है, लेकिन वो व्यक्ति क्या आपके सामने गलत करता है, तो इससे आपको गुस्सा बहुत आती है। तो आज आपको क्या करना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है, गुस्से में आके कोई कार्य नहीं करना है। आपको स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो खा लेते हैं ज्यादा, जिससे हो सकता है कि पेट खराब हो जाए। तो खान पान, आहार विहार, रहन सहन पर थोड़ा सा संतुलन में रहना आपके लिए बेहतर होगा। छोटी छोटी बात को लेकर के मन में तनाव न पालें, मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। बेवजह परेशान ना हो, पॉजिटिव सोच रखना आपके लिए अच्छा होगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना दिख रही है। भूमि भवन
खरीद सकते हैं, इसका प्रबल योग बन रहा है। माली हालत आपकी सुदृढ़ होगी और जो भी कार्य अभी तक आपने प्रयास किया है तो समस्त प्रयासरत कार्यों में बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है? जो व्यवहार आपको खराब लगता है, जो व्यवहार आपको अप्रिय लगता है, उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। तो दूसरों के साथ अप्रिय व्यवहार करने से परहेज करें। उपाय क्या करना है? पीले रंग का वस्त्र मंदिर में अगर दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप कब एग्रेसिव हो जाएंगे, कब उतावलेपन में आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपने बने बनाए कार्य को बिगाड़ लेते हैं। तो इस पर आपको उतावलेपन में कोई भी कार्य करने से परहेज करना है और अंतरात्मा की आवाज को सुने, उसके दिशा निर्देशन में कार्य करें और थोड़ा सा अपने मन को, जो आपका मन चिंतित रहता है, उतावलेपन में रहता है और आपका मन काफी एग्रेशन में रहता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी का ह्रास होता है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि अपने मन को शांत रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि अभी तक आपने नौकरी के लिए प्रयास किया तो नौकरी मिल सकती है। यदि आप नौकरी में या कॉर्पोरेट में है या सरकारी नौकरी में, तो अचानक आज आपका पदोन्नत हो सकता है, पदोन्नत होने के भी योग बन रहा है। लेखन कार्य से धन लाभ हो सकता है, उसमें अभिरुचि बढ़ेगी और आज आपको थोड़ा सा अपनी धन पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकता है। हेल्थ को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि जो आपके बड़े हैं, माता पिता या गुरुजन हैं, उनकी सलाह लेकर के ही किसी नए कार्य की शुरुआत करें। उपाय क्या करना है? पीपल को काले तिल के साथ जल अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा और एक मंत्र लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर इस मंत्र का जप करते हैं और तिल और जल चढ़ाते तो बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष पर वासुदेव कृष्ण वास करते हैं, तो अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि कोई प्रगति नहीं हो रही है, संतान की प्रगति को लेकर के चिंतित थे, तो संतान की प्रगति होगी जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और आय के नए स्रोत, नए संसाधन बढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग कार्यों से धन आएगा, विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन आएगा। जब भूमि, भवन, माइंस में अगर पूंजी निवेश करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज माइंस से भी धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है, पेट्रोलियम के क्षेत्र से भी धन मिलते हुए दिख रहा है। जीवन संगिनी का सहयोग मिलेगा और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है, माता पिता का सुख मिलेगा और पत्नी की हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बच्चों की टेरिटरी में बेवजह दखल अंदाजी न करें और किसी के साथ साझेदारी में इंडस्ट्री न लगावें। आयात निर्यात करने से परहेज करना है, शेयर खरीदने से परहेज करें, नहीं तो उसमें आज आपको भारी नुकसान हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है? दूसरों के कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी एकदम न करें। उपाय क्या करना है? चिड़ियों को बाजरा खिलावे अच्छा रहेगा और जरूरतमंद अगर कोई निडी व्यक्ति है उसको वस्त्र अगर देते हैं, भोजन देते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग स्लेटी, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। एक तो मंदिर इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं, पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी। आज आपको अपने पिता से लाभ मिलते हुए दिख रहा है, संतान सुख मिलने की संभावना दिख रही है, जीवन साथी का सुख एवं सहयोग मिलेगा और जीवन साथी को आज आपकी नौकरी मिल सकता है। छोटी छोटी बात को लेकर के बेवजह तनाव में रहते हैं और एक मुद्दा बना लेते हैं, तो इससे परहेज करना है। कोर्ट कचहरी के विवादों से बचना है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। पदोन्नत के साथ नई नौकरी मिल सकती है, हेल्थ और वेल्थ बेहतर होगा। द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें। यदि आपने शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का योजना बना रखा है, प्लानिंग कर रखा है, तो उसमें आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है? दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लेना आपके लिए हितकर होगा। उपाय क्या करना है? अगर आज गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। आज मैंने आपको बताया कि गायत्री उपासना से क्या फायदे होते हैं और गायत्री किस प्रकार से कामधेनु की भूमिका में होती है। अगर गायत्री साधना आप करते हैं
जप तप करते हैं गायत्री की, तो जीवन में आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। आप ओजस्वी होते, तेजस्वी होते, आपकी समाज में एक नई पहचान बनती है, और किसी भी प्रकार की समस्या है जीवन में तो समस्त समस्याओं का समूल समाधान होता है और आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होती है। आप ओजस्वी होते, तेजस्वी होते, आपकी ख्याति बढ़ती है, और कहीं भी किसी प्रकार का संकट आने वाला है उस संकटों से भी गायत्री उपासना से आपको बचाव मिलता है, वो कवच का काम करता है। इसके बारे में मैंने बताया और वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। तो जाते जाते हम आपको बता दें कि कल कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, तो आइए आपको बताते हैं। कल है 24 अप्रैल 2019, दिन है बुधवार, पंचमी तिथि है, मूल नक्षत्र है कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा रहेगा धनु राशि में, अशुभ मुहूर्त नहीं है कल किसी कार्य के लिए, तो खरीदारी इत्यादि करने से परहेज करना है। राहु काल है 12:19 से लेके 1:57 अपराह्न काल तक रहेगा, उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।